पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? सपोज करो मेरे पास एक गैस है, एक गैस को मैंने कंप्रेस किया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया। तो किसी ने पूछा, सर क्या आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था? मैंने कहा क्यों, जरूरी थोड़ी ना है ना, मैं P1 से P2 कर रहा हूँ प्रेशर। अच्छा कहता, फिर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा होगा? मैंने कहा कैसे भाई, गैस तो कंप्रेस कर दी, वॉल्यूम तो वैसे ही चेंज हो गया, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है। फिर कहता है कि चलो ठीक है, आपने एडियाबेटिक रखा होगा, हीट एक्सचेंज आपने बंद की होगी। मैंने कहा वो भी नहीं है, मैंने हीट दी और ली। तो फिर कहता प्रोसेस क्या आपका? तो ना तो आप बोल रहे हो आइसो बारिक है, ना कह रहे हो आइसो कोरिक है, ना कह रहे हो आइसो थर्मल है, ना कह रहे हो एडियाबेटिक है, तो फिर क्या है? ये जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोसेस के अंदर गैस जब एक्सपैंड या कंप्रेस हो तो वो इन चारों प्रोसेस को फॉलो करे। वो अलग बात है कि हम इनको पढ़ना पसंद करते हैं, हमारे सिलेबस में NCERT में ये सब प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर दुनिया में सारे प्रोसेस या एडियाबेटिक या इसोथर्मल हो ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो अगर वो कुछ भी हो, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर मेरी जो मेरा एक प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो मेरी गैस की इक्वेशन है PV रेज टू पावर, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई कहता है जी मेरा तो एडियाबेटिक है, मैंने कहा गैस की इक्वेशन क्या है? कहता है PV गामा इज अ कांस्टेंट। कोई कहता है कि मेरे को खुद नहीं पता क्या है, और मैंने कहा इक्वेशन क्या है? कहता है PV रेज टू पावर 4 इज अ कांस्टेंट, या P²V की पावर 4 इज अ कांस्टेंट। ये तो आइसोथर्मल एडियाबेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आए। तो अगर ये सारे प्रोसेसेस स्टैंडर्ड जो कि आइसोबारिक या आइसोकोरिक या एडियाबेटिक या आइसोथर्मल ना हो, तो फिर वो कौन सा प्रोसेस है? वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है। इस ऐसा भी बोल सकते हो कि इस प्रोसेस में से ये चार स्पेशल केस हैं। तो रूल नंबर 1 फॉर्मूला बुकलेट में लिखें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो PV रेज टू पावर x इज अ कांस्टेंट, वेयर x इज अ रियल नंबर। तो लिख लें ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, इट्स अ रियल नंबर। तो कोई कहता है सर ये गामा है? नहीं नहीं, ये गामा नहीं है, क्योंकि अगर ये गामा होता किसी गैस का CP/CV तो प्रोसेस क्या माना जाता? एडियाबेटिक हो जाता। तो अगर ये गामा नहीं होगा तो फिर ये पॉलीट्रॉपिक है। तो पहला फॉर्मूला लिखें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, PV रेज टू पावर x इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो स्पेशल केस करते हैं। मान लो कोई भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको x की वैल्यू में 0 देता हूं, x अगर 0 है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो क्या बचा? प्रेशर। तो प्रेशर इज अ कांस्टेंट, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस क्या हो गया? आइसोबैरिक हो गया। अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी देता हूं तो वॉल्यूम की पावर क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। अब वॉल्यूम रेज टू पावर इन्फिनिटी का मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो चेंज नहीं हो सकता, वेरी लार्ज है, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर मैं x की जगह क्या पुट करता हूं? 1, तो कौन सा प्रोसेस आ गया? आइसोथर्मल हो गया। और अगर मैं गामा पुट करता हूं किसी गैस का तो वो प्रोसेस क्या हो गया? एडियाबेटिक। और अगर मैं ये कुछ ना पुट करता हूं तो फिर वो पॉलीट्रॉपिक है। तो यानी कि सारी गैस की इक्वेशंस कवर होगी इस पॉलीट्रॉपिक में। ये चार प्रोसेस तो हो ही गए, इसके अलावा भी सारे के सारे जो भी प्रोसेस होगा इसमें कवर हो जाते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब मान लो एक मिनट के लिए कि आपको मैंने कहा कि ठीक है ये गैस है और मैं इसे हीट देने वाला हूं, और मैं हीट दूंगा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मान लो ये गैस है, मैं इसको हीट देने वाला हूं एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मान लो एक प्रोसेस है, मैं हीट देने वाला हूं ना मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ना मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जब मैंने कहा कि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहा हूं तो मैं कितनी हीट दूंगा? NCPdT, ऑब्वियसली ये दूंगा ना NCVdT, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सी क्या लगाऊंगा? CV लगाऊंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में CV लगता है। कांस्टेंट प्रेशर में क्या हीट दूंगा? NCPdT, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम क्या यूज करेंगे? CV। प्रेशर कांस्टेंट है, क्या यूज करेंगे? CP। पर इसके अंदर ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर C के पैर में कुछ ना लगेगा, ना P लगेगा ना V लगेगा, फिर अकेला C लगेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये C की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिख लो फॉर्मूला बुकलेट में। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्चुअल में ये फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सी का फॉर्मूला होगा CV प्लस R अपॉन 1 माइनस X। सी का फॉर्मूला है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस X। और CV का मतलब तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, पर सी का मतलब लिखा हुआ है नॉट नेसेसरी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि काफी लोग ये समझते हैं कि एक CV होगा तो दूसरा पक्का CP होगा। यहां पर ये CP नहीं है, यहां पर ये अकेला
सी ए, तो स्पेशली लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो फॉर्मूला नोट कर लें, सी का क्या फॉर्मूला है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्योंकि जो लोग ये पढ़ के नहीं जाते, बुक्स में भी काफी कम लिखा हुआ पॉलीट्रोपी के बारे में बता दूं, क्वेश्चन में काफी आए हुए क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में, एनसीईआरटी में तो नहीं आते, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं और ये पढ़ के नहीं जाते वो सिर्फ ये समझते हैं दुनिया में दो ही किस्म के सी हैं, या तो सीवी होता है या सीपी होता है, लेकिन ये एक अकेला सीबी होता है। सही है, तो सी का फॉर्मूला आ गया। अब कई लोग पूछते हैं सर कैसे ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे? आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं सर कैसे आया। तो मैंने इसके लिए प्रूफ लिखा हुआ है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड लिख लो, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखने अच्छा और कहने अच्छा 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 ऐसे आया होगा, पर लेकिन फॉर्मूला याद करना है क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट लॉ लगा दिया ऐसे प्रोसेस पे, पॉलीट्रोपिक पे फर्स्ट लॉ लगाया, डेल्टा टी से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया, डिवाइड कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि डी यू की डेल्टा यू की जगह एन सी वी डी टी पुट कर दिया, मैं कर सकता हूं क्योंकि डेल्टा यू में क्या यूज होता है, सीवी यूज होता है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। अब मैं क्या करूंगा, मैं डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, एक ही तरीका है, मैथमेटिकल तरीका, पीडीवी की इंटीग्रेशन, चाहे एक्सोथर्मल, चाहे एडियाबैटिक, चाहे एन नंबर ऑफ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन निकालने का एक ही तरीका है, पीडीवी की इंटीग्रेशन। पीडीवी की इंटीग्रेशन में वॉल्यूम वी आई से वी एफ तक चलेगा, तो मुझे पता है क्योंकि ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक है तो पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट इसकी इक्वेशन है, तो पी की वैल्यू क्या बनेगी, के इंटू वी की पावर माइनस एक्स बनेगी, तो पी की वैल्यू क्या बनेगी, के इंटू वी की पावर माइनस एक्स बनेगी। तो मैंने k कांस्टेंट निकाल के किया इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन के बाद इसमें पुट की मैंने लिमिट्स, फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल इनिशियल लिमिट पुट करने के बाद k से मल्टीप्लाई किया मैंने एक बार, क्योंकि पॉलीट्रोपिक इक्वेशन क्या है, पी k की जगह क्या पुट किया, पी एफ वी एफ एक्स, और k की जगह पी आई वी आई एक्स, करेक्शन है यहाँ पर x आएगा। इन्हें आपको ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है एडियाबैटिक का वर्कडन निकल रहा है, पढ़ा हो तो फीलिंग भी आई, ये एडियाबैटिक का ही वर्कडन है क्योंकि इसमें x की जगह गामा चल रहा था, बाकी सब कुछ सेम है, आप चेक करो इसका फॉर्मूला भी सेम आता है एडियाबैटिक जैसा, उसमें गामा है, इसमें गामा नहीं है, एडियाबैटिक जैसा ही फॉर्मूला है इसमें, म्यू आर इंटू टी एफ माइनस टी आई, जिसको डेल्टा टी लिख लिया, आपको करना नहीं है, जैसे बता रहा हूं कि आप इस तरीके से वर्कडन निकाल सकते हैं। चलो मान लिया आपने जी वर्कडन निकाल लिया, ठीक है, कैसे जैसे करके आपने वर्कडन निकाल लिया, ये जो भी वर्कडन आया आपने इस वर्कडन को यहां पे पुट करना है, यहां पे, तो ये टर्म क्या चल रही है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो आप एक काम करें, जो वर्कडन आया उसको आप यहां पुट करेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा, ये जो टर्म चल रही थी इसको ऐसे लिखें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या करेक्शन करें सी नहीं है, ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, और ये भी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, ऐसे, ये देखो, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी में ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, वैल्यू पुट की तो डेल्टा टी भी कैंसिल है, यहां से म्यू कॉमन निकाल के इसके नीचे ले आए, इसी को तो क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, म्यू को सी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया सी का, सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। आपको ये प्रूफ नहीं करना, तो आप काट सकते हैं इस प्रूफ को मेरी तरफ से, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, पर मैंने इसलिए करा दिया कि आप मन में सोचें घर जाके पता नहीं कहां से नया फॉर्मूला उठा लाया, तो फर्स्ट लॉ से ये फॉर्मूला आया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, हम यहां पर डेल्टा क्यू में एन सी पी डी टी नहीं पुट करना चाहते, सी पुट करना चाहते हैं, बस इतना सा खेल है सारा, और यहां पर सी वी पुट करना चाहते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला आएगा, बस ये बात समझ लें, ठीक हो गया यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल आएगा, ये आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन पूछा गया एन आइडियल गैस अंडरगोज क्वाजी स्टैटिक, ये वर्ड बहुत कॉमनली कॉम्पिटिशन वाले यूज करते हैं, क्वाजी स्टैटिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में और स्लो और स्टेडी है, आराम से चलने वाले प्रोसेस को क्वाजी स्टैटिक बोलते हैं। तो एक प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन विच मोलर हीट कैपेसिटी सी रिमेंस कांस्टेंट, चलो सी कांस्टेंट होता होगा, आपको इक्वेशन गिवन है गैस की, पी वी रेज टू पावर एन इज अ कांस्टेंट, तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। अब जो लोग तो ये कुछ पढ़ के नहीं जाते या जिनके टीचर नहीं करवाते, बहुत लोग पॉलीट्रोपिक नहीं करवाते, वैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग पढ़ के नहीं जाते या किताब में नहीं पढ़ के गए, वो तो क्या सोचते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला शायद भूल गया या मुझे कंफ्यूज कर रहा है, वो गामा की जगह मुझे रिप्लेस करके एन दे रहा है, तो मैं अपने मन में इसको गामा ही लेके चलूंगा, बिल्कुल भी नहीं।
गामा गामा ही होता है और गामा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जहां गामा लग गया वो एडियाबैटिक है, जहां गामा की जगह एन एक्स पी क्यू एक्स वाई जेड लग गया वो पोलिट्रोपिक है। तो एक्स को रिप्लेस किया जा सकता है, एक्स तो वेरिएबल है, रियल नंबर है, एक्स लिखे, वाई लिखे, जेड लिखे, जो मर्जी लिखे, पर गामा ना लिखे। अगर गामा लिख दिया तो एडियाबैटिक है, गामा नहीं लिखा पोलिट्रोपिक है। तो ये पोलिट्रोपिक प्रोसेस है। आपको एन निकालना है और मालूम है ऑप्शन में क्या गिवन था, ये चार ऑप्शन ऐसे गिवन है। अब जो लोग पढ़ के नहीं जाते, अब फिर वो इस समस्या, वो कहते दुनिया में दो ही तो सी होते हैं, एक सीपी और एक सीवी, और सी कहां से आ गया? लग रहा है कुछ कंफ्यूजन हो गई है, मिसप्रिंट हो गया, पेपर गलत था, क्योंकि सीपी भी है, सीवी भी है, और यहां पर सी कैसे हो गया, तीन कैसे पैदा हो गए? तो उनको पता ही नहीं कि पोलिट्रोपिक चल रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये एन पूछ रहा है वो। अब मुझे पोलिट्रोपिक में फॉर्मूला एक ही आता है बस, और यही आता है भाई, और मेरे को तरीका ही नहीं है। प्रूफ तो मैंने मना किया करने के लिए, फॉर्मूला एक ही है सी निकालने का, ये फॉर्मूला है, सी भी आ गया, सीवी भी आ गया, अब कहीं से सीपी चाहिए। पॉलीट्रोपिक में पावर क्या है? एक्स होती है, वैसे तो कोई बात नहीं, एक्स की जगह उसने क्या पुट कर दिया, एन, तो एक्स की जगह एन पुट कर दें, पुट कर दिया, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एक काम करें, ये टर्म एज इट इज सीवी इस तरफ ले जाएं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन माइनस एन की ये टर्म आ जाए, यहां से एन की टर्म आ जाएगी, एलसीएम लेंगे, माइनस कॉमन आएगा, सीवी प्लस आर अपने आप सीपी आ जाएगा, आंसर मार्क कर देंगे, है ना कमाल? ठीक, तो ये जरूरी है, बिना पॉलीट्रोपिक के आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, पक्की बात है, अगर आपको नॉलेज नहीं है इस फॉर्मूले की तो। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? तब तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पॉलीट्रोपिक आ ही जाए, हमने तो कर ही लिया, ठीक है, कम से कम आधी जनता तो उड़ी जाएगी, आधी छोड़ो 90% का 99% भी उड़ जाएगी, और भी छोड़ दो। ठीक, मैंने कम से कम तीन क्वेश्चन मेन में और नीट में आते हुए देखे, एक नीट में देखा है, दो कम से कम मेन में आते हुए क्वेश्चन देखे, बिल्कुल डायरेक्ट उनमें से ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं इंक्लूड किया, सब पुराने पेपर करवाऊंगा आज मैं, तो चाहे मुश्किल है चाहे आसान है, वो मतलब मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा। आसान करने का एक तरीका है, मैं ना करवाऊँ छुपा लूँ, कराने में यार आसान होगी थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं नहीं करूँगा वो, चाहे पेपर आसान आता हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है पॉलीट्रोपिक का, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें प्लीज़। देखो क्वेश्चन है, एन आइडियल डायएटॉमिक गैस विद सीवी गिवन है। वैसे वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग सीवी सीपी याद करके आए हैं किसी भी गैस का, चलो फिर भी दे दिया उसने। ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम वी आई एंड प्रेशर पी आई। गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पी प्रोपोर्शनल टू वी है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इट इज फाउंड दैट आर में स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हैज डबल फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम। बात कर रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स की, बीच में फंसा देगा आरएमएस। ये आरएमएस की स्टेटमेंट इतनी जगह यूज होती है, मैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन देख चुका हूं जिसमें ये स्टेटमेंट लिखी होती है, आरएमएस स्पीड डबल हो गई। बैठे बैठे कुछ भी बात कर रहा होगा, आरएमएस स्पीड डबल हो गई ऐसे लिख देता है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मतलब है, आरएमएस स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। अगर ये डबल होगी तो टेम्परेचर 4 गुना ज्यादा हो गया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि टेम्परेचर 4 गुना ज्यादा हो गया, वो एक लाइन लिख देगा आरएमएस स्पीड डबल हो गई, टेस्ट कर लेगा आप आरएमएस पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। आरएमएस का यहां पर कोई काम नहीं है, सिर्फ एक चीज बताने का काम है कि आरएमएस डबल हो गई तो टेम्परेचर 4 गुना ज्यादा हो गया। ठीक हो गया यहां तक? तो इनडायरेक्टली
वॉल्यूम और प्रेशर है और हमने कुछ गैस को कंप्रेस किया तो टेम्परेचर 4 गुना ज्यादा हो गया. फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस बाय हीट, कितनी हीट हमने दी बस ये बता दो. तो मेरे को ये बताओ कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक या पॉलीट्रॉपिक? कौन सी ऐसी लाइन जो आपको बता रही है ये पॉलीट्रॉपिक है? प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. कैसे? क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया, प्रेशर बाय वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया, वॉल्यूम रेज टू पावर -1 हो गया. अब गामा -1 तो होता नहीं, या -1 तो होता नहीं, तो फिर क्या बना? पॉलीट्रॉपिक. बताएगा नहीं, अजीबोगरीब बात कर देगा. ठीक है यहां तक? तो x की वैल्यू कंपेयर करके क्या आ गई? -1. अब आपको निकालना क्या है? आपको हीट सप्लाई निकालनी है ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एन सी डेल्टा टी. सी पी नहीं लगेगा. अब क्या लगेगा? पॉलीट्रॉपिक है ना, सी पी सी भी नहीं लगेगा. अब क्या लगेगा? सी लगेगा. आपको क्या चाहिए? सी चाहिए. सी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, तो लगा दो फिर सी का फॉर्मूला. तो सी का फॉर्मूला क्या है? सी वी. सी वी तो गिवन है क्वेश्चन में 5/2 R और प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी है? -1. तो सी आ गया 3 R. सी 3 R आ गया. तो लगाओ फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी. तो सी की जगह क्या पुट करेंगे? 3 R. और चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? अगर इनिशियल टी आया है तो फाइनल 4 गुना ज्यादा हो गया, तो 380 है ये आंसर. तो ऑप्शन में या तो ये गिवन होगा या फिर एन आर टी की जगह पी आई वी आई, क्योंकि टी आई चल रहा है तो पी आई वी आई ये भी गिवन हो सकता है. मुझे नहीं पता क्या पूछेगा, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सी निकाल के एन सी डेल्टा टी कैसे करते हैं. कोई डाउट इसमें? सही. जैसे ये काट दे पेज प्लीज, गलती से यहां पेस्ट हो गया, सेकंड लॉ नहीं स्टार्ट हुआ अभी. जो नेक्स्ट पेज है ये वाला जहां लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड लॉ, इसको क्रॉस कर दें, ये नहीं स्टार्ट हुआ, गलती से पेस्ट हो गया. अगला जो पेज है ये वाला, स्पेशली ये वाला सिंगल पेज, इसको क्रॉस कर दें. बड़ा सा रिपीट हो गया. एक्चुअल मैंने नई शीट लिखी थी जो आपको दिखाई है, पुरानी शीट डिलीट करना भूल गया असाइनमेंट में से, नई लिख दी. नई भी डल गई, पुरानी भी डल गई. तो ये पेज को काट दें क्योंकि ऑलरेडी पॉलीट्रॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं. ये क्रॉस कर दें, नहीं पढ़नी आपने बुकलेट में, क्रॉस कर दें. ठीक है, ये वाली शीट देख लो, पहला पेज. शीट मीन्स पेज, ये पेज क्रॉस करें. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये हमने कर लिया, देखते जाओ, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया. नेक्स्ट जो पॉलीट्रॉपिक का प्रूफ है ये क्रॉस कर दें क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इसका प्रूफ करवा दिया. ये भी डिलीट करना भूल गया मैं, रिपीट हो गया ये, तो ये भी डिलीट कर दें फॉर पॉलीट्रॉपिक वाला. ये पेज का पेज ही डिलीट कर दें, क्रॉस कर दें, रिपीट लिख दें. क्रॉस मीन्स कर, मतलब रिपीट है ये बेसिकली. ठीक हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं चाहिए, कर लिया हमने ऑलरेडी ये. एक्चुअली क्यों, देखो बताता हूँ, ये ना पेज में ना काफ़ी कंजेशन था, मुझे समझाने में ना इरिटेशन होती, समझने वाले को इरिटेशन होती. तो मैंने नई शीट लिखी जो अभी वो रंग बिरंगी दिखाई पॉलीट्रॉपिक की, पर वो उड़ाना भूल गया इसको. तो लास्ट ईयर ऐसे करवाई थी, इस साल थोड़ी और बेटर ऐसे है. तो ये काट दे प्लीज, नहीं चाहिए आपको ये. नहीं नहीं, पेज ओनली पेज जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला रिवीजन के लिए डाला गया था कि आइसोथर्मल में क्या होता है, साइक्लिक में क्या होता है, ये सब रिवीजन शीट्स हैं, ऑलरेडी आपने फॉर्मूला बुकलेट में लिख लिए हैं, तो ये भी आपने अब कर लें. ठीक है, नहीं तो रिवीजन हो जाएगी और तो कुछ नहीं है इसमें. ठीक, ये वाला एक क्वेश्चन को क्रॉस कर दें क्योंकि अभी हमने कर लिया आर में स्पीड बिकम डबल वाला क्वेश्चन, सेम है जिसका आंसर अभी क्या आया था, पी आई वी आई जो भी था. तो ये भी क्रॉस कर दें, ऑलरेडी डन. ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्रॉस कर दें बस. ठीक है, ये भी अभी कर लिया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करेंगे मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए आने वाला क्वेश्चन ये रहा. और इसमें गिवन है कि मोनोटॉमिक गैस है, गिवन है मोनोटॉमिक गैस गिवन है इसमें. देखो क्या क्वेश्चन है, पॉलीट्रॉपिक गैस है, चलो बोल ही दिया पॉलीट्रॉपिक है. पी वी रेज टू पावर अल्फा इज अ कांस्टेंट, वो भी बोल दिया. सी की वैल्यू भी दे दी, सी पी सी वी नहीं है, वो केला सी है, सी दे दिया पॉलीट्रॉपिक का. क्या निकालना है? पावर अल्फा निकालनी है. फॉर्मूला तो एक ही आता है, ये फॉर्मूला लिख दिया, अल्फा निकालना है. सी आपको गिवन है, गैस मोनोटॉमिक देगा वो पक्का, मोनोटॉमिक लिखा होगा. तो मोनोटॉमिक का सी वी पता है, सॉल्व करके अल्फा आ गया, आंसर आ गया. इससे आसान क्वेश्चन क्या,